मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड, भारत का भूगोल, जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा खनिज तेल, मिनरल ऑयल। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में खनिज तेल की उत्पत्ति, ओरिजन, मिनरल्स ऑयल। खनिज तेल वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह प्रकृति द्वारा निर्मित हाइड्रोकार्बन तत्व है, जिसका निर्माण वनस्पतिक तत्वों तथा जीवों के अवशेष के रूपांतरण से हुआ है। बहुत दिनों तक जमीन के अंदर वनस्पति और जीवों के अवशेष का रूपांतरण हो जाता है, तो यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसको पेट्रोलियम भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वनस्पतियों और जीवों और जंतुओं के सड़ने गलने से होती है। सामान्यतः उथले समुद्रों, झीलों, दलदलों, नदी के डेल्टाओं आदि में मृत जीव जंतु वनस्पतियों तली पर एकत्रित होते रहते हैं, और उनके ऊपर अवसाद समय के अनुसार धीरे धीरे जमा होता रहता है। भूगर्भ सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक शैलों में दबे रहने के कारण ताप तथा रेडियो धर्मिता से पेट्रोलियम, कार्बन, गंधक आदि तत्वों का उद्भव होता है। ये औषधि शैलों में जल की भांति संचित रहते हैं। मुख्यतः टर्शरी युग की औषधि शैलों में खनिज तेल पाया जाता है। भूगर्भ से प्राप्त खनिज तेल अशुद्ध होता है। इसे बाहर निकालकर शोधनशालाओं में शोधित किया जाता है, और अनेक प्रकार के इससे उत्पाद निकलते हैं। लेकिन मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन। हम एक नज़र भारत के खनिज तेल के भंडारों पर देखें तो पाएंगे कि भारत में प्राचीन एवं नवीन भूगर्भिक सर्वेक्षणों के अनुसार वर्तमान में खनिज तेल के कुल 625 करोड़ टन भंडार हैं, जिसमें से 500 लाख टन गुजरात में, 500 लाख टन असम में और 1250 लाख टन मुंबई में भंडार हैं। ये भारत की मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। गंगा नदी के उत्पादित क्षेत्रों में, औषधि चट्टानों के क्षेत्रों में नवीन तेल भंडार की संभावनाएं हैं। वहाँ भी अभी खोज जारी है। भारत में 1990 से पश्चिम समुद्र तटीय क्षेत्र में तेल उत्पादन कार्य तेज गति से संचालित हुआ। इस क्षेत्र में अनेक उत्पादक क्षेत्र हैं। वर्तमान में नवीन तेल भंडारों खोज सर्वेक्षण कार्य और उत्पादन का कार्य भारत की दो राष्ट्रीय कंपनियों, प्राकृतिक तेल आयोग, गैस आयोग, ऑयल इंडिया लिमिटेड और अनेक प्राइवेट कंपनी भी जांच और रिसर्च में लगी हुई हैं। हम टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं भारत में कच्चे तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं। भारत में खनिज तेल का वितरण और उत्पादन। भारत में खनिज तेल का वितरण स्थलीय सागरीय, तटीय एवं अंत सागरीय भागों में पाया जाता है, जहाँ पर पेट्रोलियम निकलने का प्रारंभ 1860 असम के डिगबोई क्षेत्र से हुआ। आर्थिक, तकनीकी एवं आवागमन के साधनों के कारण इस क्षेत्र में 1890 से खनिज तेल का विधिवत प्रारंभ हुआ। आरंभ में तेल उत्पादन का कार्य असम तेल कंपनी द्वारा किया गया। बाद में सुरमा घाटी, माकुम आदि क्षेत्रों में भी तेल निकलने लगा, और भारत के आज़ाद होने के पश्चात 1953 में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भी तेल का सर्वेक्षण कार्य स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी द्वारा किया गया, जिसका नाम 1956 में बदल कर नाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कर दिया गया। भारत में तेल उत्पादन एक खोज का कार्य तेल प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है।
और अब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी हो रहा है। भारत के तेल उत्पादक क्षेत्रों को हम देखें तो असम राज्य को देखते हैं तो इसके मुख्य मुख्य तेल क्षेत्र डिगबोई है। यह असम राज्य के लखीमपुर जिले के नागापाड़ी में स्थित है। यह भारत में सर्वप्रथम तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। यहाँ लगभग 13 वर्ग की क्षेत्र में तेल उत्पादन होता है, जहाँ पर 800 कुएं हैं और 300 से 1200 मीटर तक की गहराई तक लिए हुए हैं। दूसरा क्षेत्र नाहरकटिया, यह भी डिगबोई से 10 किमी 40 किमी दूर दिहांग नदी तट के समीप है। यहाँ पर तेल 1953 से उत्पन्न हुआ। यहाँ पर तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी होता है और लगभग 60 कुएं हैं। सूरमा घाटी, यह क्षेत्र भी मुख्य तेल उत्पादक है। बदनपुर मसीमपुर पथरिया जिले, जहाँ पर 60 कुएं हैं और यहाँ तेल मध्यम श्रेणी का है और अधिक गहराई से निकलता है। रुद्रसागर लखवा क्षेत्र, हरजीगन मोरेन क्षेत्र और दूसरा जो तेल उत्पादक राज्य है वो गुजरात है। इसमें सूरत से राजकोट तक 15,360 वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नवीन खोजों के अनुसार इस राज्य के कच्छ क्षेत्र में भी तेल की संभावनाएं हैं। यहाँ के मुख्य तेल क्षेत्र को देखें तो अंकलेश्वर क्षेत्र जो बड़ौद जिले में बड़ोदरा से 45 किमी दक्षिण में नर्मदा नदी तट पर स्थित है। दूसरा है कलोल क्षेत्र, यह अहमदाबाद के पश्चिम में नवागांव महसाना आदि छोटे छोटे कोयले क्षेत्र हैं। लूनेज ये अरब सागर के तटीय क्षेत्र में खंबात की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है। अन्य क्षेत्रों में गुजरात के भड़ोत बड़ौदा सूरत खेड़ा अहमदाबाद आदि में भी तेल उत्पादन होता है। भारत के मैदानी भागों में गुजरात और असम तेल क्षेत्र स्थित है। इसके अतिरिक्त भारत में मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र समुद्रों के अपतटीय क्षेत्रों में भी मिलता है, जिसमें मुंबई हाई मुख्य है। ये भारत का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। महाराष्ट्र राज्य के अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीप के मगन तट पर मुंबई से लगभग 176 किमी उत्तर पश्चिम मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र में तेल प्राप्ति सागर सम्राट नामक जलयान द्वारा 1975 में हुई, जहाँ 1976 से उत्पादन हुआ। इस क्षेत्र में 2,500 वर्ग किमी क्षेत्र में तेल उत्पादन चट्टानें स्थित हैं और 80 मीटर तक की गहराई में पाई जाती हैं, जिनका निर्माण मायोसीन युग में हुआ है। वर्तमान में इस क्षेत्र में 200 लाख टन तेल उत्पादन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसके अलावा आलिया बेट क्षेत्र, जो गुजरात के सौराष्ट्र में भावनगर से 45 किमी पूर्व में अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। बेसिन क्षेत्र, यह एक नवीन तेल क्षेत्र है जो मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा कावेरी नदी का बेसिन क्षेत्र, गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र में भी तेल की संभावनाएं खोज जारी है। राजस्थान में भी कोल तेल 1999 पहली बार बाड़मेर जिले के गुड़ा के पास मग्गा के ढाणी के धोरों के नीचे 1910 मीटर की गहराई पर तेल भंडार मिला। इसका नाम सरस्वती ऑयल इन फील्ड रखा गया। इसी क्रम में 2002 में बाड़मेर के कोसपा और साडाझुंड में 1400 मीटर गहराई पर मिला। फरवरी 3 में गुड़ा मलाणी के नगर गांव में मिला और 2004 में बाड़मेर के बायत कवास ब्लॉक में भी 900 मीटर गहराई पर उच्च गुणवत्ता के तेल भंडार मिले हैं। धीरे धीरे इस जो उच्च गुणवत्ता तेल मिला है इनका नाम बदलकर 10 फरवरी 2004 को मंगला 1 कर दिया गया। राज्य में इंग्लैंड की केयर्न्स एनर्जी लिमिटेड सहित अनेक कंपनियां तेल खोज में लगी हुई हैं। हम भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं कि भारत का जो खनिज तेल भंडार है वो नदी घाटियों पर और भारत के तटीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इसमें हम मानचित्र में देख सकते हैं। खनिज तेल संभावित क्षेत्रों में देखें तो अन्य राज्यों में पंजाब के होशियारपुर लुधियाना क्षेत्रों में भी तेल खोज जारी है। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी नूरपुर धर्मशाला बिलासपुर जम्मू के मूसलगढ़ में भी तेल मिलने की संभावना है। इसी तरह से उड़ीसा के पुरी बालासोर
आंध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, अंडमान निकोबार द्वीप आदि में तेल की संभावनाएं हैं। भारत में खनिज तेल उत्पादन का हम तालिका के द्वारा भी देख सकते हैं। भारत में तेल के लिए रिफाइनरीज हैं, शोधन शालाएं हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की भी हैं और निजी क्षेत्र की भी शोधन शालाएं हैं जो क्रूड ऑयल को अलग अलग उत्पादों में बनाती हैं, साफ करके भारत में सप्लाई करती हैं। खनिज तेल का उपयोग हम देखें तो खनिज तेल बहुत से विविध प्रकार के कच्चे माल के रूप में भी उपयोग होता है। पेट्रो रासायनिक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आता है। खनिज तेल वर्तमान परिवहन तंत्र का मूल आधार है। जितने भी व्हीकल चलते हैं उनमें तेल का उपयोग होता है, जलयानों में होता है, वायुयानों में होता है। कलपुर्जों में स्नेहक तेल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। कारखानों की मशीनों और कृषि यंत्रों में भी काम में लिया जाता है और विनिर्माण उद्योगों में ऊर्जा के रूप में भी खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। खनिज तेल का उपयोग को हम तालिका से भी देख सकते हैं। भारत में खनिज तेल का आयात निर्यात, भारत में खनिज तेल का आयात सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि भारत में मांग बहुत ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, तो खनिज तेल का आयात हम इस तालिका के द्वारा हम देख सकते हैं। खनिज तेल का संरक्षण, क्योंकि खनिज तेल जीवाश्म ईंधन है, इसका निर्माण भूवैज्ञानिक युगों में जैव तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हुआ और यह एक क्षयशील ऊर्जा पदार्थ है जो एक बार खत्म होने के बाद में करोड़ों वर्ष लगते हैं। अतः इसके संरक्षण के लिए भी कुछ उपाय किए जाएं, तो मुख्य मुख्य उपायों में हम दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि खनिज तेल का भूगर्भिक संरक्षण से वास्तविक मात्रा का पता लगाना, इसके शोधन की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना, इसका उपयोग ऊर्जा के स्थान पर कच्चे माल के रूप में करना, खनिज तेल के विकल्प की खोज करना। खनिज तेल एक क्षयशील पदार्थ है तो ऐसे इनका वैकल्पिक रूप के रूप में ऊर्जा के हम जैसे सौर ऊर्जा है और जल विद्युत ऊर्जा है, इनका विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग पर पाबंदी लगाना, विश्व में प्रयुक्त एवं सुदृढ़ खनिज तेल नीति को लागू करना, आवश्यक उद्योगों में ही कच्चे तेल के रूप में खनिज तेल का उपयोग करना, नहीं तो विद्युत का भी उपयोग कर सकते हैं। खनिज तेल के स्थान पर ऐसी ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, उसका उपयोग किया जाए। तो ये जो जीवाश्म तेल है इसको हम कई वर्षों तक, कई सदियों तक इसका उपयोग कर सकते हैं।